नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देह सितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। तो हम लोग धृतराष्ट्र ने जो संजय से प्रश्न किया था, जो प्रथम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि ममका और पांडवश्चा मेरे पुत्र ने क्या किया और पांडव के पुत्र ने क्या किया, इसका उत्तर जो है संजय जी ने दूसरे श्लोक से लेकर 13 श्लोक तक ये धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया उसके बारे में बताए थे, और 15, 16, 17 और 18 चार श्लोकों में पांडव के पुत्रों ने क्या किया इसके बारे में बताए थे। अब जो है बता रहे हैं संजय ने कि इसके बाद जो है या भगवद गीता के आगे का जो प्रसंग है यहाँ से प्रसंग हो रहा है, तो बता रहे हैं श्लोक संख्या 20 है, बता रहे हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रा ना कपी ध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरु धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य मिरा निदाम हम महीपते। कह रहे हैं कि महीपते धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं अब वह शस्त्र चलाने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही है, और उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को हड़पने वाले राजाओं के साथ जो उसके जो सारथी थे उनके बारे में बता रहे हैं। अथ माने इस प्रकार करें कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। ये जो है 18वें अध्याय के 74वें जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि इति इति माने इस प्रकार, उसका फिर सम्मान समाप्ति भी होता है, कहते हैं कि इतिर मतिर मम इति से जाकर वो समाप्त होता है। तो भगवद गीता का जो उपदेश है वह जो 11वें श्लोक से प्रारंभ के जो हम लोग दूसरे श्लोक से लेकर के और 13 श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्र ने क्या किया है उसके बारे में श्रवण किए, और 15, 16, 17 जो है ये चार श्लोकों के में हम लोग ये श्रवण किया कि पांडव के पुत्रों ने क्या किया। इस प्रकार जो है युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बता रहे हैं कि भीष्म ने युद्ध की तैयारी के लिए वो क्या किए, शंख बजाए थे, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शंख को बजाया था, और कौरव और पांडवों की सेना को जो युद्ध की घोषणा ही मार दिया, और अपने अपने शस्त्र हाथ में उठाकर लेकर तैयार हो गया। उन्होंने सेनाओं को अस्त्र उठाए देखकर वीरता में अर्जुन ने भी अपना जो गांडीव धनुष है उसको भी हाथ में उठा लिया। इस प्रकार से जब अर्जुन ने भी अपना हाथ जो धनुष उठा करके जो ही उसको उठाने के लिए प्रयास किया, उसके बाद से ये बता रहे हैं अर्जुन कि वह जो दुर्योधन जो था वह पांडवों की सेना को जब देखा और भागा भागा कहाँ गया, द्रोणाचार्य के पास गया, और अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, अब उनका हाथ सीधे गांडू धनुष पर गया, और कहते हैं इससे क्या होता है जैसे जिस रथ पे वो बैठे थे उस पताका पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, और अर्जुन में निर्भयता था उत्साह था और स्वयं कपी ध्वज का मतलब क्या है कि हनुमान जी उस ध्वजा पर वो बैठे हुए थे, और कह रहे हैं कि द्रौपदी को प्रसन्नता हो गई कि भीमसेन ने कहा था कि
जब द्रौपदी का चीर हरण जब दुशासन कर रहा था, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा किए थे कि हमने दुशासन की छाती की लहू से तुम्हारे केस को हम धुलवाएंगे। और जब कह रहे हैं कि शत्रुओं पर आघात करने जैसा, मैंने शत्रु पर ये जब सिंहनाद जब जैसा हुआ, आवाज जब हुआ, ध्वनि जब हुआ, तो शत्रुओं के हृदय पर वह बहुत बड़ा घात पहुंचा। उस गर्जन जो ऐसा, जैसे सिंह जब दहाता है, गर्जन करता है, तो अन्य सारे जो जंगली पशु हैं, जानवर हैं, वो क्या होते हैं, डर के मारे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर चुपचुपे वो भागने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जितने उनके शत्रु थे अपने भी प्राण बचाने के लिए इधर उधर तितर बितर होने लगे और उनके हृदय जो है वो विदीर्ण हो चुके थे। लेकिन पांडवों के सेना में ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि भीष्म पितामह ने जो शिंगनाद किया था, जो शंख बजाए थे, उसमें केवल दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए बजाए थे। और दुर्योधन ने ये समझा कि हाँ, अब भीष्म पितामह ने युद्ध की घोषणा के लिए शंख बजाए हुए हैं, इसलिए उन लोगों ने आपस में जब कर रहे हैं लड़ाई, लड़ाई करने के लिए वो लोग अपना अपना शंख बजाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब हनुमान जी इधर ये उस ध्वजा पर विराजमान थे, तो ये था कि निश्चित रूप से विजय जो होगी वह पांडव पक्ष की ही होगी। यह जो धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिला रहे हैं कि जहाँ जत्र जो योगेश्वर कृष्ण, जत्र धनुर्धर अर्जुन, तत्र श्री बीजो धुरी धुरी नितिर मतिर मम, कहेंगे जहाँ, और ये द्रोणाचार्य के पास जा करके, दुर्योधन जो है अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जा करके और चलाकी से वचन कहता है कि अर्जुन कौरों की सेना को देखकर करेंगे हे अंतर्यामी मन बुद्धि आदि प्रेम और भगवान श्री कृष्ण से शूर वीरता उत्साह और कर्तव्य से भरे हुए ये वचन ये बोलने लगे। अर्जुन जो है इस सेना को जब देखे कि कौरवों का सेना और पांडवों के पक्ष में का सेना, ये दोनों आमने सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो गई है, इस दृश्य को जब देखे अर्जुन ने, तो उनके मन में ये करुणा पैदा हो गया। और तो अर्जुन जो है वह कहते हैं कि अर्जुन उवाच, शेनयो रुद्धे मधे अस्ते रथम अस्थापाय मेचुता यावत् तानि निरीक्षेह युद्ध कामानु अनुस्थान कर्म्या सह युद्ध अव्यम अस्मृणी समुद्यमे। कहते हैं कि हे अच्युत, हे कृष्ण, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर चलिए। कहते हैं कि हे अच्युत, यह जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में आप लेकर के चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन से लोग मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, स्थापित करूं। क्योंकि पहले ये शांत राज्य के लिए उन्होंने पहले क्या किया था, शांति दूत बनाकर भेजा, आराम से वो लोग अपना अपना सोचे कि शांति से अपना हम राज्य ले लें। लेकिन दुर्योधन जो है वह किसी की बात को नहीं माना और उसके पक्ष से कौन कौन से राजा लोग आए हुए हैं लड़ाई करने के लिए, उसको भी थोड़ा मैं देख सकूं। इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों सेनाएं जहां युद्ध की तैयारी के लिए आमने सामने खड़ी है और दोनों सेना में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण के द्वारा वह मार सकता है, ये नहीं कि बहुत दूर खड़ी नहीं थी। तो उन दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों तरफ जो मध्य में जो बीच की जो जगह थी, उन सेनाओं के बीच में अपना ये रथ को ले अगर खड़ा करने के लिए पांडव ने, अरे पांडव जहां कहा जाता है इसका मतलब क्या है, अर्जुन को संबोधित किया जाता है। तो अर्जुन बोले कि हमारी जो रथ है उसको बीच में आप लेकर के चलिए, जिसको कि मैं इन लोगों को मैं देख सकूं। तो बता रहे हैं कि सेनियो रुभे मध्य, मैंने सेना के दोनों सेनाओं के बीच में ले चल करके देख लीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन से लोग मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने इस दृश्य को देखा कि आचार्य जो हमारे सामने जो खड़े हैं, इसमें जो लोग हैं,
बता रहे हैं कि युत सयह मानवः अवेक्षे अहम यह एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुधे युधे प्रिय चीकृषवः। कहते हैं कि ये दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है वह युद्ध में और युद्ध की इच्छा वाले जो उसके साथ से जो लोग राजा लोग आए हुए हैं उनके ओर से जो लोग युद्ध में आए हुए हैं ये कौन कौन से लोग हैं, थोड़ा मैं उन लोगों को देख सकूं कि कौन कौन से लोग उसके ओर से युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि कहकर इसके लिए संबोधित किया जा रहा है कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। नियम के अनुसार तो न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता है, तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए लोग जो युद्ध में कर्तव्य करते हैं वैसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे कि अपने मित्र का और कह रहे कि लोक और परलोक में हित हो, परंतु ये राजा लोग जो हैं दुर्बुद्धि वाले दुष्ट जो दुर्योधन को ये उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं, ये उसकी और बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं और युद्ध करा कर युद्ध में और उसकी सहायता करने के लिए आए हैं। क्यों? कि ताकि जल्दी से जल्दी दुर्योधन का क्या हो जाए, वो लोग पतन कराने के लिए आए हुए, कह रहे हैं कि वो हित में नहीं है जो दुर्योधन की ओर से, क्योंकि आधा राज्य जो है वह धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन हैं, पांडव पक्षों का आधा राज्य होना चाहिए लेकिन उसको आधा राज्य नहीं दे रहे हैं और उसके पक्ष में उसके ओर से युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, माने उसका ये बढ़ावा दे, बढ़ावा देने का मतलब क्या है, उसका पतन करने के लिए आए हुए हैं। या किस तरह से दुर्योधन के हित में ये लोग बात करने के लिए आ रहे हैं, उसको क्या राज्य, और वो कह रहे हैं कि इस परलोक में भी उसका नहीं सुधरेगा और इस लोक में भी उसको नहीं सुधरेगा, दोनों लोक उसका क्या हो रहा है, ये खराब रहा है, तो ये सुधरता नहीं है। कह रहे हैं कि जो स्वयं मान अवेक्षा अहम यह एते अत्र समागत, इन युद्ध के लिए उतावले जो होने वाले जो ये लोग राजा हैं जो युद्ध करने के लिए हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं जो अन्याय का पक्ष ले रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मैं देखूं, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग सब नष्ट हो जाएंगे थोड़े समय के बाद, ये क्या जब युद्ध चालू होगी उसके बाद ये लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये इनके मन में युद्ध की जो इच्छा हो रही है, जो लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा मैं इनको देख सकूं कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इन लोगों के बीच में लड़ने के लिए आ रहा हूं। हरे कृष्ण।